कैमरा ओपन करिए अपना। क्लास ओपन योर कैमरा। यस कैमरा ओपन कर लिया अपना सभी। हमें विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। नाउ स्टार्ट फ्रॉम लक्षिता। लक्षिता अपना होमवर्क चेक कराइए मेरे को। रही है लक्षिता तो चली गई छोड़ गई। अरे होमवर्क मांगा था कौन से तुम्हारे घर के खाद्य स्टोर ने मांगे थे? सर नहीं किया हुआ है, बुक्स आज लेके आएंगे। आप बताइए सिद्धि। सर देखो आप अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेके मुझे है ना मतलब फोटो लेकर टेलीग्राम पे भेजोगे ओके? ओके ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास। निमांश कहाँ गया? सर उसको कॉल किया वो काट रहेगा। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। चलिए क्लास करते हैं हम। क्लास कर रहे थे। चैप्टर टू कर रहे थे। चैप्टर टू में हमने कहाँ तक किया था? सर एग्जांपल्स कर लिए थे। आपने वापस रिवीजन किया घर जाकर? अब हमको देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखनी है ना? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए आप व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर क्या है? जल्दी बोलिए। मिक्सर क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। मिक्सर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ मिक्सर कितने हैं? Types of mixers. बोलिए सर। टू कौन कौन से? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। व्हाट इज हेट्रोजीनियस?
एंड व्हाट इज होमोजीनियस सर मैं बताऊं हाँ बताओ सर हेटेरोजीनियस बताऊं या होमोजीनियस बताऊं दोनों बता दो यस सर क्या होते हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम यस सर बोलो बोलो हेटेरोजीनियस क्या होता है पहले ये बताओ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स एग्जांपल नहीं डेफिनेशन बताओ ना डेफिनेशन इसमें लिखी हेटेरोजीनियस वो होता है जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाए डिसॉल्व हो जाए और जो डिसॉल्व नहीं हो एक दूसरे के अंदर वो हो जाता है तो हेटेरोजीनियस वो होता है जो डिसॉल्व नहीं होता है जो डिसॉल्व होता है वो होमोजीनियस होता है ओके ओके सर चलिए आगे चलते हैं क्लास आगे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सर सॉल्यूशन क्या है एक होमोजीनियस मिक्सर से द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर स्मॉलर होता है किससे 1 नैनोमीटर से छोटा होता है इन डायमीटर डायमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -9 मीटर कितना होता है बोलिए कितना होता है 10 टू द पावर -9 मीटर सो दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई मतलब अपन बिना माइक्रोस्कोप के इसको देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एक्सक्यूज मी यस सर एनएम क्या है एनएम है नैनोमीटर ओके सर जब पावर -9 लग जाती है तो उसके पीछे नैनोमीटर लगते हैं ओके 1 एनएम लिखो या फिर ये लिखो दोनों एक ही चीज है ओके ओके सर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्केटर अ बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट को क्या नहीं करते वो स्केटर नहीं करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन जो पाथ ऑफ लाइट है वो सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं होती है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर्स मिक्सर से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है जैसे अपन चाय है ना चाय बनाते हैं चाय को फिर एक छलनी से छानते हैं फिर कप में डालते हैं ना यस तो यहाँ पर वो फिल्ट्रेशन लागू नहीं होता है द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ये सेटल डाउन नहीं होते वेल लेफ्ट अनडिस्टर्ब इन That is a solution is stable, ठीक है तो क्या होता है ये जो है solute particle है जो भी इसके अंदर डाले हुआ वो completely dissolve होगा ऐसे नहीं है कि नीचे नीचे वो आ जाएगा थोड़ी टाइम बाद वो नीचे पूरा आ जाएगा ऐसा नहीं है ओके जैसे है ना पानी के solution में मिट्टी डालते हैं तो कुछ टाइम बाद सारी मिट्टी नीचे तल में बैठ जाती है ना yes, sir. वो नहीं होगा इसमें आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसके अंदर क्या क्या मात्राएं हैं वो चीज देखेंगे आप ठीक है ओके यस सर तो देखते हैं वी ऑब्जर्व दैट Group of A and B obtain different shades of solution. अलग-अलग shades के solution है, अलग-अलग color के. We understand that in a solution, in relative proportion of the solute and solvent can be varied. Depending upon the amount of solute present in the solution, it can be called dilute. ठीक है? जैसे और concentrated दो चीज होते हैं. क्या होते हैं? या तो होता है डाइल्यूट या होता है कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है या फिर इसको दूसरा बोलते हैं क्या सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ फॉर एन एग्जांपल ये पानी लो इस पानी के अंदर मैं है ना एक ग्लास पानी लिया
और इसके अंदर मैंने 20 स्पून भर के क्या डाल दी, शुगर डाल दी, क्या डाल दी, शुगर, कितने कितने चम्मच, 20 स्पून है ना। अब ये क्या बन जाएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जबकि अब ये ग्लास लूं, इसके अंदर पानी डालूं और इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच या एक चम्मच ही शुगर डालूं, तो ये क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, डाइल्यूट, डाइल्यूट सर। समझ आया ना, डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, यस नो सर, इसको नो सर, मुझे नहीं आया समझ। अरे डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है ना, उसकी जो सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ना, उस पर डिपेंड करता है। दो चीज होते हैं ना सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी तो वो क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। क्लियर सर, मतलब कितनी होनी चाहिए क्वांटिटी, मैंने बताया ना एक अप्रोक्सीमेटली कितनी। अगर देखो पानी, एक ग्लास पानी है, इसमें 20 चम्मच में शक्कर डाल दूंगा तो इसकी ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, और इसमें सिर्फ आधा चम्मच शक्कर डालूंगा तो ये डाइल्यूटेड बन जाएगा। बस मतलब माइनर क्वांटिटी हो तो डाइल्यूटेड और ज्यादा क्वांटिटी हो तो कॉन्सेंट्रेटेड। समझ गए, समझे, यस थोड़ा थोड़ा आया, हाँ तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा, वापस पढ़ोगे तब। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स इन एक्टिविटी, एक्टिविटी है 2.2, आप वापस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा डाइल्यूटेड क्या होता है। ओके अब एक्टिविटी 2.3 है, एक अप्रोक्सीमेटली 50 ml का वाटर लेना है, ईच टू सेपरेट बीकर्स, फिर इसके अंदर क्या डालना है, सॉल्ट डालना है इन वन बीकर, और दूसरे बीकर में क्या डालना है, शुगर, या फिर क्या डाल सकते हैं, बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर, और इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। ठीक है, वेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब तक हिलाना है जब तक सारे के सारे जो इसके अंदर डाले गए हैं सॉल्यूट वो डिजोल्व नहीं हो जाए कम्प्लीटली। और कंटेंट ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और इसके अंदर सॉल्यूट और ऐड करना शुरू कर देना है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज सेम, क्या ये सेम है क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी ऐसा टेम्परेचर, अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व, ठीक है, एज मच सॉल्यूट इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, यहां से लेकर यहां तक जल्दी लिखिए, लिख रहे हो, यस सर, लिखो जल्दी।
सर लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, अब देखो इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, मतलब अब मैंने इसको ना इतना इतना घुमा दिया, इतना इसके अंदर जितना वाटर के अंदर वाटर पार्टिकल के अंदर स्पेस था उतना सॉल्यूट इसमें मिल गया। अब मैं सॉल्यूट डालता हूँ, ये मिलेगा नहीं, तो उस टाइम सॉल्यूशन है वो कैसा कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो ये डेफिनेशन भी लिख दीजिए, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जल्दी लिख लीजिए ये। लिख लिया सर। यस सर लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the amount of solute contained in the solution is less than the saturation solution level, it is called unsaturated. मतलब जो saturation level से कम होगा तो unsaturated automatically कहलाएगा। अगला है, what would happen if you were take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? जब इसको ठंडा करें जब धीरे धीरे, तब क्या होगा? We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility. Different temperature पर different solubility होती है, मतलब different solvent have different solubility दिखाता है at the same temperature पर। The concentration of solution is the amount जो होता है वो mass या फिर क्या कहलाता है volume of solute present in a given amount, mass और volume इसका ratio होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये लिख लीजिए। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। लिया सर। आगे चले सर। 2 मिनट। यस सर। सर आगे करवाओ। कराते हैं। अब आगे देखते हैं। देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब देखो कौन कौन से वे हैं। 3 मेथड यूज किए जाते हैं। पहला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो ये लिख लीजिए। 3 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन हेडिंग डालकर। 3 मेथड्स
कौन सा है? पहला है मास बाई मास परसेंटेज, तो ऊपर लिखा जाता है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों लगाया? परसेंटेज के लिए। ओके, दूसरा मेथड है ये मास बाई वॉल्यूम मेथड। ओके, समझ आ रहा है? यस सर। तो मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मास बाई वॉल्यूम। इसलिए तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल है, वो देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो 40 ग्राम क्या है? कॉमन सॉल्ट है 320 ग्राम वाटर के बीच। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज में करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट ये है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये है, ये वाटर का। तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूशन का निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन था। अरे बोलो, हाँ ना, मुझे क्यों बन पड़ेगा? हाँ ना, कुछ बोलो, समझ आ रहा है? ये है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो देखो, तो यहाँ पर सॉल्यूट तो ये है, सॉल्ट सॉल्वेंट ये है, और सॉल्यूशन क्या होगा? इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनेगा। इनको दोनों को जोड़ दिया तो ये सॉल्यूशन का मास आ गया। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 40 अपॉन 360 इंटू 100, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 11.1%। ओके, गेट इट? यस सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सस्पेंशन। क्या है सस्पेंशन? नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक डोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी जो की थी 2.2, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं तो वो क्या होगा? डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, और कुछ टाइम बाद ऐसे शांत होकर नीचे तल में बैठ जाएगा पानी के, तो वो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो यहां से डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पर सस्पेंशन की, यहां तक जल्दी लिख दीजिए। Yes, sir. क्लास? Yes, sir. No, sir. निकलो तब बता देना। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन हम अपन नेक डाइव देख सकते हैं, देख सकते हैं ना? यस सर। चॉक पाउडर मैं इसमें डालूंगा तो मैं देख सकता हूँ पानी के अंदर है कि नहीं है चॉक पाउडर। सर लिख लिया, आगे कर, आगे चले। आगे करते हैं हम।
the particle of a suspension can be seen by net dyes. The particle of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. The solute particle settle down when a suspension is left undisturbed. जब इसको अनडिस्टर्ब रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद वो पानी के तल में नीचे बैठ जाता है. चॉक पाउडर डालूंगा तो कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाएगा. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर. फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं. पानी को मैं छान लूंगा चॉक मिले हुए तो चॉक अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा. बोलो हाँ ना. ऐसा हो जाएगा. When the particle settle down, the suspension breaks. It does not scatter light anymore. ये light को scatter नहीं करता है. Okay? तो जब भी इसमें से light pass करेंगे, light को scatter नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं. तो आज की class में इतना ही करेंगे. ये class end हो गई, दो मिनट बाद खत्म हो जाएगी, अगला topic होगा नहीं. तो ये आपको वापस से write down करना है, इसको सही तरीके से पढ़ना नहीं है. Okay class? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Hello. Thank you, class.